सुपरमैन इसे बोरिंग कैरेक्टर भाई सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आजकल कुछ फैंस स्पेशली अमेरिकन फैंस सुपरमैन अब उनके लिए बोरिंग हो गया है। ये क्या सीन है और क्या सुपरमैन का पॉपुलैरिटी सच में डिसलाइन कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। तो पेंट के ऊपर चड्डी ना, लेट्स टॉक अबाउट। पहले तो समझना पड़ेगा कि सुपरमैन की पॉपुलैरिटी कब से पीक पे थी। 1938 में जब सुपरमैन का डिब्यूट हुआ तब से वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सुपरहीरो में से एक बन गया। सुपरमैन के पास एक स्ट्रॉन्ग मोरल कॉम्पास था और वो सच्चाई का सिंबल था। जो भी प्रॉब्लम थी सुपरमैन ऑलवेज कम टू द रेस्क्यू विद हिज सुपर ह्यूमन एबिलिटीज लाइक फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन और क्या नहीं, सब तो तुम जानते ही हो। तब लोगों को इस तरह का सुपरहीरो एक परफेक्ट सुपरहीरो लगता था, होप का एक सिंबल स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। सुपरमैन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो टू परफेक्ट है, मतलब उसको हर चीज आता है, उसे मारना मुश्किल है, उसका मोरल कॉम्पास कभी हिलता भी नहीं और उसकी पावर्स भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। जब फैंस को एक सुपरहीरो रिलेटेबल लगता है तब उन्हें उसका स्ट्रगल से कनेक्ट करना इजी होता है, बट सुपरमैन भाई उसका पास इतनी पावर है कि उसका दुश्मन उसके पास भी नहीं आता। और फैंस को अब ऐसे सुपरहीरो पसंद आने लगा है जो फ्लोएट है, जिनमें ह्यूमन वीकनेस दिखती है, जैसे बैटमैन या स्पाइडरमैन। सुपरमैन का सब कुछ प्रेडिक्टेबल लगता है, हर बार वो किसी सिचुएशन में फंसता है तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये बंदा उधर से निकल ही जाएगा। और अगर सुपरहीरो हर बार इजीली जीतने लगे तो सस्पेंस खत्म हो जाता है। फैंस को लगता है कि सुपरमैन के साथ वो इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है जो आज के मॉडर्न हीरोज में दिखता है। आज के टाइम में लोग सुपरहीरो से थोड़ा डार्क और ग्रिटी कैरेक्टर एक्सपेक्ट करता है। देखो ना, बैटमैन की पॉपुलैरिटी क्यों हाई है, क्योंकि उसका स्ट्रगल, उसका पेन, उसका डार्कनेस हमारे लिए ज्यादा रिलेटेबल होता है। सुपरमैन के पास ऐसा स्ट्रगल नहीं दिखता और हर बार जब सुपरमैन परफेक्ट और अनबीटेबल लगता है तो लोग थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करता है। मार्वल के सुपरहीरोज का एग्जांपल ले लो, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर, इनको भी परफेक्ट नहीं दिखाया गया, इनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, इनसे गलतियां भी होता है। सुपरमैन ऑन द अदर हैंड लगभग फ्लॉलेस है। फैंस को अब ऐसा कैरेक्टर पसंद आने लगा है जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस फेस करता है और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ उनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी होती है। ये जो सुपरमैन इज बोरिंग बली व्हाट मोस्टली अमेरिकन फैंस से सुनने मिलती है। अमेरिका में फैंस का एक्सपेक्टेशन सुपर हीरो मूवी और कॉमिक से बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है। जैसे 1978 का क्रिस्टोफर रीव्स वाला सुपरमैन मूवी को ही पकड़ लो, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट था। आज उसी टाइप का सुपरमैन हमें आउटडेटेड लगता है, क्योंकि अब हमें पता है कि सुपर हीरोज फ्लूइड भी होता है, उनका अपना डिमोन्स भी होता है। कहीं ना कहीं फैंस को ये लगता है कि सुपरमैन का कैरेक्टर इवॉल्व नहीं हुआ समय के साथ, जैसे बैटमैन या स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हुआ है। सुपरमैन का कैरेक्टर अब भी वही गुडी टू शूज प्योर हार्टेड हीरो बना हुआ है, जबकि आज के टाइम फैंस कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ देखना चाहता है अपना फेवरेट हीरोज के साथ। अब अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ फैंस के लिए अब भी सुपरमैन एक बड़ी बात है। यहाँ सुपरहीरो का कल्चर अभी अभी ग्रो होना चालू किया है और सुपरमैन जैसे क्लासिक सुपरहीरो लोगों को पसंद भी आता है। इंडियन फैंस के लिए सुपरमैन अब भी एक आइकॉनिक फिगर है, जो चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक एक आइडल सुपरहीरो रहा है। शायद यहाँ सुपरमैन को बोरिंग कहने वाला फैंस काफी कम मिलेंगे, शायद ना भी मिले, लेकिन ये बात तो सच है कि वर्ल्ड वाइड सुपरमैन के कैरेक्टर में कुछ रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। इंडिया में जो सुपरहीरो फैंस है वो भी देख रहा है कि मार्वल के सुपरहीरोज भी काफी होल्ड बैक कर रहा है, यानी जो सुपरहीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है उसे उतना भी पावरफुल मार्वल नहीं दिखा रहा है और सुपरमैन को वो मॉडर्न टच नहीं मिला अभी तक जो आज के सुपरहीरोज में हम देखते आ रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिक देखे तो सुपरमैन की पॉपुलैरिटी डिसलाइन हो रही है, सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सुपरमैन का नाम अब भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसका मूवीज और कॉमिक की सेल इतना भी इंप्रेसिव नहीं रहा पहले के टाइम के जैसे। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी मूवीज ने सुपरमैन को रिबूट करने की कोशिश तो की थी, कह सकते हो, या नया टेक देने की कोशिश की थी सुपरमैन को, लेकिन वो मास ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाया जैसे मार्वल मूवीज करता है। सुपरमैन का कॉमिक्स का भी यही हाल है। मार्वल के कॉमिक्स में जैसे एवेंजर्स या स्पाइडरमैन को ज्यादा अटेंशन मिलता है, वैसा सुपरमैन के साथ नहीं है। जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के बाद हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन था फैंस को, लेकिन फिर क्या हुआ आपको तो पता ही है, हेनरी कैविल को रिप्लेस करना पड़ा नया डीसीयू के चक्कर में। व्हाटएवर, अब भी सुपरमैन को कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। जेम्स गन के नया डीसीयू में अगर सुपरमैन को एक फ्रेश और मॉडर्न अप्रोच दिया जा सकता है तो ये कैरेक्टर फिर से पॉपुलर हो सकता है। जेम्स गन ने अनाउंस किया था कि सुपर
सुपरमैन लेगेसी मूवी आने वाली है जो अब ओनली सुपरमैन नाम से रिलीज होगा। अगर सुपरमैन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड दिखाया जाए तो फैंस फिर से इससे कनेक्ट कर पाएगा। सुपरमैन का चम कभी पूरा खत्म नहीं हो सकता क्योंकि वो एक फंडेंशियल सुपर हीरो है, बस उसे नया जमाने की फैंस की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा अपडेट करना जरूरी है। अगर उसका स्ट्रगल रिलेटेबल बन जाए, उसका कैरेक्टर और भी डेप्थ हो जाएगा तो सुपरमैन फिर से पीक पॉपुलैरिटी पे पहुंच सकता है। तो अब समझ में आया कि सुपरमैन को बोरिंग क्यों कहा जा रहा है। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा परफेक्ट और प्रेडिक्टेबल लगता है आजकल के फैंस को, लेकिन सुपरमैन जैसे सुपर हीरो को सिर्फ बोरिंग बोलकर इग्नोर किया नहीं जा सकता। उसकी पोटेंशियल अब भी बहुत है, बस डीसी को थोड़ा स्मार्टर डिसीजन लेना पड़ेगा। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। अब क्या सोच रहे हो, सुपरमैन को मॉडर्नाइज करना जरूरी है या आजकल की फ्लॉइड हीरो सी बेटर है? फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।